हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक DAV से वैकेंसी की अपडेट लेकर के आई हूँ, जहाँ पे आप लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड एकोमोडेशन फ्री में उपलब्ध किया जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इससे पहले भी मैं वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स की वैकेंसी की अपडेट, रिपोर्टेड प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी की अपडेट ऑलरेडी चैनल पर दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और वीडियो का कंटेंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, आप लोग एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और कोई भी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते इस वैकेंसी की अपडेट बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे DAV पब्लिक स्कूल में जो वैकेंसीज है, देखिए PRT हिंदी संस्कृत ये सब में वैकेंसीज है, इंग्लिश मैथ्स SST एंड साइंस ये सब में वैकेंसीज है। दोस्तों, PRT में अप्लाई करने के लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन होने से ही हो जाएगा। कभी कभी तो ओनली 12th होने से ही PRT में चांसेस मिल जाता है, लेकिन अगर ये एक्चुअली DAV स्कूल में दोस्तों ग्रेजुएशन एंड BEd होना ज़रूरी होता है, एंड आप लोगों का CTET पेपर 1 क्लियर हो तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप लोगों का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप लोग एज अ फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड होना भी ज़रूरी नहीं है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, म्यूज़िक में 2 पोस्ट है और नर्सरी टीचर्स का भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे PRT के लिए कोई भी सब्जेक्ट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन हो तो। ये बड़ी सुविधा है PRT में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस वैकेंसी का डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये वैकेंसी आई हुई है DAV आलोक पब्लिक स्कूल से, ठीक है। DAV आलोक पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई हुई है और गढ़गांव रांची झारखंड ये लोकेशन हो जाएगा। और कोई भी डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे info@dabalok@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, CV। और कोई भी डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। 18th September 2022 को वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी संडे को, ठीक है। ओनली इंटरव्यू से ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू DAV यहाँ पे तो रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट लिया जाता है, तो आप लोग प्रिपेयर होके जाइएगा, क्योंकि एक रिटन टेस्ट हो करके फिर इंटरव्यू हो सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट का भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी एक चैप्टर से आप लोग डेमो प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है, PRT के लिए, PRT बेस लेवल पे, ठीक है। तो सुबह 8 बजे संडे को आप लोगों को पहुंच जाना होगा स्कूल पे। यहाँ पे पता दिया होगा हुआ है पुंडाग रांची झारखंड, ठीक है। ये सब वैकेंसीज है यहाँ पे। और देखिए, यहाँ पे बोला गया है एकोमोडेशन एंड बस कैन बी प्रोवाइडेड, एकोमोडेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी एंड बस भी, स्कूल जहाँ पे आप लोग रहेंगे वहाँ से आप लोगों को बस से स्कूल पहुँचा दिया जाएगा। ये फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी होती है बाहर में, एकोमोडेशन एंड बस फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अनट्रेंड कन्वेंट बैकग्राउंड एंड फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई। तो अनट्रेंड है आप लोगों का, BEd नहीं भी है, कन्वेंट बैकग्राउंड है आप लोगों का, एंड आप लोग फ्रेशर्स हो, फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, बहुत ही सुनहरा मौका है ये, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। PRT के लिए डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट देना होगा, शायद एक ही दिन में सिलेक्शन टेस्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कीजिए, यहाँ पे एकोमोडेशन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है, जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दीजिए। मतलब कि यहाँ पे आप लोग CV एक बार भेज करके रख सकते हैं एंड वॉक इन इंटरव्यू पे जा सकते हैं 18 सितंबर को सुबह 10 बजे के आगे ही आप लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, DAV आलोक पब्लिक स्कूल रांची झारखंड से ये वैकेंसी आई हुई है। आप लोग जल्द से जल्द आप लोग एक बार CV सेंड कर दीजिएगा और कोई भी जानकारी के लिए यहाँ पे दिए गए 2 नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो आप लोग एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।